हमारी इंटेंशन बिल्कुल साफ थी कि हमने हिमाचल के लोगों के हितों की रक्षा करनी है। हमने मात्र हिमाचल के मुद्दे, हिमाचल के मसले, हिमाचल के लोगों की आवाज को उठाया था। उसको आने वाले समय में किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करना है उसके ऊपर इसमें चर्चा करने की आवश्यकता है। उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई, उसको जो है धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिस तरीके से इसको मीडिया हाइप दिया गया। हमारी इंटेंशन बिल्कुल साफ थी कि हमने हिमाचल के लोगों के हितों की रक्षा करनी है पहली बात, और पार्टी के जो विचारधारा है, पार्टी की जो लाइन है, कांग्रेस पार्टी का जो एक राष्ट्रीय स्तर पे जो इनकी एक सोच है, उससे बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वी आर डेडिकेटेड सोल्जर्स ऑफ द पार्टी, और पार्टी की विचारधारा हमारी विचारधारा है, पार्टी के आदेश की सर्व की पालना करना हमारा दायित्व है। हमने मात्र हिमाचल के मुद्दे, हिमाचल के मसले, हिमाचल के लोगों की आवाज़ को उठाया था। और जहाँ तक ये वेंडिंग की बात है, इसको सांप्रदायिक रंग देना, इसको किसी और राज्य से जोड़ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। हिमाचल के मसले अलग हैं और प्रदेश के मसले अलग हैं। इसमें मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट और जो इसमें रूरल अर्बन लाइवलीहुड का जो कानून 2014 का बना हुआ है, यूपीए सरकार के समय ही बना है, और 2016 में उसको प्रदेश में भी संशोधनों के साथ लागू कर दिया गया है, उसको आने वाले समय में किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करना है उसके ऊपर इसमें चर्चा करने की आवश्यकता है। और उसमें हिमाचल प्रदेश के जो हमारे वेंडिंग जोन्स म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर बनने हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर बनने हैं, जो बहुत से इलाकों में पहले ही बन चुके हैं, उसमें कैसे और उसको मजबूत करना है, कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन होनी है, केवल वो उतना मात्र चर्चा थी। उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई, उसको जो है धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने तो यहाँ पे तिप्तियों का भी जिक्र किया, प्रदेश के अंदर बहुत से तिप्ति रहते हैं क्योंकि दलाई लामा जी हिमाचल में रहते हैं, उनकी वजह से बहुत से तिब्बत जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो रहते हैं, उनकी दुकानें हैं, उनकी रेड़ी फड़ियाँ हैं, मगर वो भी पूरे अच्छे तरीके से प्रदेश में रह रहे हैं। और भी प्रदेश में कोई भी देश के किसी भी कोने से आ सकता है, चाहे वो तमिलनाडु है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, कि कोई भी आ सकता है, और हिमाचल के व्यक्ति भी कोई भी हिमाचल से कहीं भी जा सकता है। बात मात्र रजिस्ट्रेशन की है, जो वहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी को, वहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल लोगों के जो भावनाएं हैं, उसकी कदर करने की बात है, उससे ज़्यादा और इसमें कुछ है नहीं। ताकि आपका खान पीन साफ हो, कोई उसमें अडल्ट्रेशन ना हो, आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई भी ऐसी परिस्थिति कल को कोई बनती है, कोई संदिग्ध व्यक्ति आ जाता है, तो अथॉरिटीज़ के पास उसका एक जो है ब्यूरो होना चाहिए, कल को उनको पकड़ना पड़ जाए, उनके ऊपर रेड डालनी पड़ जाए, तो उसका एक पूरा वो होना चाहिए। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। बाकी जो पार्टी ने कहा है, अगर पार्टी को ऐसा लगा, क्योंकि कई बार हो जाता है मीडिया में इस तरीके की प्रेजेंटेशन हो जाती है, तो हमने अपनी बात पूरी साफ तरीके से रखी है, और मेरे को किसी ने समन नहीं किया। मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ, मैं मिला हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिला हूँ, हमारे केसी वेणुगोपाल जी से भी मिला हूँ, सब लोगों से मिला हूँ, मगर मेरी तो पहले ही दिल्ली जाने की मेरी जो है निर्धारित कार्यक्रम थे, हम वहाँ पे गए, सरकारी कार्यक्रम भी अटेंड किए, और जो है उनसे भी मिले, और उन्होंने इसके बारे में निश्चित तौर से पूछा, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय मीडिया में चला हुआ था। हमने अपनी बात बिल्कुल साफ तरीके से करी कि सर ये है, ऐसा है, बाकी जो भी आप कहते हैं पार्टी का जो डायरेक्टिव वो हम फॉलो करेंगे। तो इसमें इसको इतना जो है वो बनाकर, कॉन्ट्रोवर्सी बनाकर, ये अच्छी बात नहीं है। हमें जो है वो संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल क्लियर किया है, और ये उनको कहा है कि विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस हाईकमांड के साथ चट्टान की तरह खड़ा है, जो उनका डायरेक्टिव है उसको हम फॉलो करेंगे। मगर साथ में ये भी मैंने कहा है कि हिमाचल के जो लोग हैं, 70 लाख आवाम है प्रदेश की, उनके हित की रक्षा करना भी हमारा जो है वो दायित्व है, जिम्मेवारी है। मेरे पिताजी 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इसीलिए रहे उन्होंने, क्योंकि उन्होंने हमेशा हिमाचल की आवाज़ को पूरी मजबूती से उठाया, तो वो प्रदेश के हितों की रक्षा करना ये भी हमारा दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है, और जैसे पार्टी का जो नेतृत्व है उसको पूरा करना हमारा दायित्व है, वैसे ही प्रदेश के हितों को साधना भी हमारे लिए उतना ही बराबर है।